कम बारिश ने बढ़ाई सरकार की टेंशन। सीएम शिवराज बोले, फसलें बचाने के लिए डैम से देंगे पानी। वहीं कांग्रेस ने कहा, यात्राएं छोड़कर खेतों में पहुंचेंगे मंत्री। नमस्कार, मैं कुलदीप साहू और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मध्य प्रदेश में कम बारिश और सूखे की आशंका को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी बैठक ली है। उन्होंने कहा कि अगस्त महीने में बारिश बहुत कम हुई है, जिसके चलते फसलें प्रभावित हो रही हैं। खरीफ की फसलें बचाने के लिए पूरी ताकत से काम करेंगे। एक बात और याद रखना, अंत में एक महीने से पानी नहीं गिरा है, किसान संकट में है। हम भरसक प्रयास करेंगे। किसान भाइयों, चिंता मत करना, वैसे तो भगवान की कृपा बरसेगी, पानी आएगा, लेकिन अगर संकट भी आया तो मैं आपको कह रहा हूँ, चिंता मत करना, मोदी जी के आशीर्वाद से इस संकट के पार निकाल ले जाएंगे आपको, कोई चिंता मत करना। जो परिस्थिति होगी निपटेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा संकल्प है आपकी सेवा का संकल्प। सीएम ने कहा है कि डैम से पानी छोड़कर फसलों को बचाया जाएगा। अभी बिजली की डिमांड भी बढ़ गई है, इसके लिए बेहतर इंतजाम करेंगे। संकट की घड़ी में सरकार किसानों के साथ खड़ी। इस समय मेरे दिमाग में एक ही चिंता है, आपको कल्पना नहीं है, जलवायु परिवर्तन के कारण गर्मी पड़ी नहीं, इस बार पानी लगातार गिरता रहा। जून में पानी, जुलाई में पानी, अगस्त में एक बूंद नहीं गिरी, पूरा का पूरा गैप आ गया। और आपको बताना चाहता हूँ, बिजली की इस समय जरूरत पड़ती थी केवल 7-8 हजार मेगावाट की, अभी बिजली 15 हजार मेगावाट तक मांग पहुंच गई है, क्योंकि हर एक सिंचाई भी करना चाहता है और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास, क्योंकि फसल के सामने संकट खड़ा हुआ है। वहीं सीएम ने कहा कि 3-4 दिन से प्रदेश के किसानों से मिल रहा हूं, ऐसी स्थिति में चैन से नहीं बैठ सकता, नींद नहीं आती है, मैं बैठने वालों में से नहीं हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वे भगवान महाकाल से बारिश के लिए प्रार्थना करने सोमवार को उज्जैन जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्द से जल्द उपयुक्त समिति की बैठक कर ले, जहां डैम में पानी है वहां से किसानों को सिंचाई के लिए पानी दिया जाए। डैमों का निरीक्षण कर इस बात की जानकारी ले कि अभी पानी कितना है। सीएम शिवराज सिंह ने जिला प्रशासन से कहा कि किसानों की सिंचाई के संबंध में एडवाइजरी जारी करे। संकट की स्थिति से निपटने के लिए जो वैज्ञानिक तरीके होंगे उससे किसानों को जागरूक करेंगे। मैं खुद किसान भाइयों से अपील करूंगा, जलवायु परिवर्तन के खतरे अब सामने दिख रहे हैं, लेकिन किसानों को मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, परेशानी है, माथे पे चिंता की लकीरें हैं। मैं अभी बैठक भी करूंगा और एक ही विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं, एक तो मैं सवेरे 8 बजे महाकाल महाराज के दरबार में जाके पूजा कर रहा हूं अच्छी बारिश के लिए। आप सबसे भी मैं अपील करता हूं, अपने अपने गांव के मंदिर में आप पूजा करें। देखो, प्रार्थना में बड़ी ताकत होती है, बड़ी शक्ति होती है। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि